हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। मैं सौरभ पांडे एक वेल प्लान आप सबके लिए लेकर आया हूं, जस्ट इन 45 डेज। जी हां, 45 दिन है आप सबके लिए 22 दिसंबर के एग्जाम में बैठने से पहले। और कुछ सावधानियां, कुछ तरीके और कुछ प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस करेंगे कि भैया क्या क्या समस्याएं होती हैं। खासतौर पर कल मैंने एक स्टोरी शेयर की थी एक डायट प्रवक्ता की, रुचि गैंगवार, ठीक है। तो उनकी स्टोरी देखी आप लोगों ने, घर पर बैठ करके उन्होंने तैयारी की अच्छे से बिना किसी कोचिंग के और क्लियर किया डायट प्रवक्ता का एग्जाम। तो डायट प्रवक्ता वो होते हैं जिन्हें बीटीसी वालों को जो पढ़ाते हैं, जिला में एक डायट होता है, तो बीटीसी को जो टीच करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो डायट प्रवक्ता। अच्छी है, ग्रेड की नौकरी है वो, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये चीज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने यूपी टेट का एक मैं प्लान लेकर के आया हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज 1 एंड 2, EVS एंड मैथ। वहीं पेपर 2 की बात करें तो बाल विकास लैंग्वेज 1 एंड 2, SST ऑप्शन में, या फिर आपका होगा साइंस और मैथ। जिसका साइंस मैथ है उसका SST नहीं होगा, जिसका SST उसका साइंस मैथ नहीं होगा। ये प्लान आप सबको पता है। अब इन 45 डेज में आप अपना टाइप सेलेक्ट करिए। यहाँ पर कुछ मतलब कुछ लोग हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, कुछ लोग हैं जो एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड हैं, पर वो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप किस टाइप में आते हो? अच्छा, कुछ लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग हैं जो ऑफिस पे वर्क करते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कोचिंग और शहर में रहने की सुविधा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। आप किस टाइप के हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको चीजें एक बार में समझ में आ जाती हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास अच्छी किताबें हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास विजन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हैं। आप किस टाइप में से हैं, ये सेलेक्ट करना है आपको। आपको समस्या कहां पर होती है? अगर आपने इन चार टाइप्स जो मैंने बताए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा और अपने आपको सेलेक्ट करिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। और यूपीटेट में आपका स्कोर का जो पैमाना है वो मान के चलिए कि आज से कहां तक जाएगा, 90, 100, 110 प्लस, किस लेवल तक आप 45 डेज में इसको ले जा सकते हैं। एक वेल प्लान क्या होता है, सबसे बड़ी बात। इस बार यूपीटेट में नया पैटर्न आने वाला है, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूं बहुत ही आराम से, लेकिन समझना इसको गंभीरता से। बाल विकास लैंग्वेज सेक्शन में, EVS में और मैथ्स में इस बार आपको अध्यापन संबंधी मुद्दे, एक टॉपिक आया है अध्यापन संबंधी मुद्दे, ठीक है। अगर इस टॉपिक को अभी तक तो सीरियस नहीं लिया जाता था, आपके एग्जामिनर यूपीटेट वाले इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, जो भी पूछते थे वो फैक्ट पूछते थे, पेडागॉजी बिल्कुल नहीं पूछते थे। लेकिन इस बार अगर इसे सीरियस ले लिया गया तो जो स्कोर में अप एंड डाउन होगा ना, वो यहीं से होगा। हो सकता है आपका 2 नंबर 1 नंबर से 5 नंबर से, या फिर हो सकता है कि आपका 110 वाली परफॉर्मेंस रही हो, 100 ही आए। तो इस टॉपिक को आपको सीरियस लेना है हर सब्जेक्ट में। अच्छा, उनके लिए कहना चाहूंगा जिनके लिए मैथ एक प्रॉब्लम का विषय है। अच्छा, गणित कोई 45 दिन में आपको जीरो लेवल से नहीं सिखा सकता, लेकिन हम जो क्लास चलाएंगे, क्लास की जो टाइमिंग्स रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हम जो क्लास चलाएंगे उसमें क्या होगा, गणित के सवाल जैसे यूपीटेट में आते हैं उस पैटर्न को पकड़ेंगे, और पैटर्न को पकड़ के उन सवालों को अगर हम क्रैक करें, कि मान लीजिए कि लाभ हानि का ये सवाल 2014 में आया था, और इस तरह का लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस से आपको सवाल आ जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, या LCM HCF कैसे निकालोगे, ठीक है, या फिर कुछ भी एनीथिंग जो अब तक पूछा जा चुका है या जो पूछ सकता है सिलेबस में, कैसे, यू नो, दो चीजें होती है, एक फॉर्मूला होता है, दूसरा सवाल लॉजिक से लगता है कि ऑप्शन में चार ऑप्शन है, कौन सा सबसे नजदीक, मतलब दिमाग से आप लगा लेते हो कि नहीं यार 100 तो नहीं हो सकता, 10 के अबव आसपास आंसर आ रहा है तो नहीं सी वाला सही है। ये टेक्निक बहुत काम करती है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। इसके बाद जो क्लास का शेड्यूल होगा हमारे चैनल पर, वो अब 4-5 क्लासेस आपको मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं CGP ले रहा हूँ आपको 8 PM इवनिंग, लैंग्वेज 1 जो चलेगी वो मॉर्निंग में 10 AM सुबह, और इसी में हिंदी संस्कृत में से हम कोई चलाएंगे, इसके बाद अंग्रेजी चलेगी 1 PM, EVS रात में 10 PM, और मैथमेटिक्स के लिए आशुतोष आएंगे तो फिर 5 बजे के आसपास ही, शाम को। तो
तो इस तरह से क्लासेस का शेड्यूल होगा, टाइमिंग होगी जो आपको कवर करनी। अच्छा, अब समस्या कहां होती है, आपका स्कोर बन क्यों नहीं पाता है? दो चीजें, तैयारी और कॉन्फिडेंस। देखिए, दोनों चीजें जब आप प्लस कर देते हो तो इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। अब इसमें तैयारी में क्या है आपके पास 45 दिन, और कॉन्फिडेंस में क्या होना चाहिए, कम से कम 20 प्लस प्रैक्टिस सेट, जो कि 150 क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। घर पर बैठ करके अगर आप 20 प्लस प्रैक्टिस सेट कर दे रहे हो तो लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं हिस्से में, ठीक है, क्योंकि 150 तो वैसे 3000 क्वेश्चन, 2000 के सीधा सीधा 20 प्रैक्टिस सेट का 20 डेढ़ 3000, तो 3000 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस प्लस आपकी तैयारी, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके आप सक्सेस पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आपको मैटर, ठीक है, ये तो तैयारी कॉन्फिडेंस की बात हो गई, बात करेंगे अब हम मैटर की। मैटर कहां से, कैसा मैटर और कितना मैटर पर्याप्त होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई भी एक टॉपिक है, यूनिट में बांट दीजिए, अधिगम की यूनिट अलग बनाते हैं, ठीक है, अधिगम की यूनिट अलग हो गई, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों की यूनिट अलग हो गई, विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट अलग हो गई, एक यूनिट में समावेशी शिक्षा, समस्यात्मक बालक, ये सब हो गए, और जो मनोविज्ञान शाला वगैरह जो प्रमुख संस्थान डाला है एक यूनिट ही होगी। तो अगर 5 यूनिट में सीडीपी को डिवाइड करके एक कंटेंट वाइज नोट्स अगर आपको दे दिया जाए, और इसी तरह लैंग्वेज में ग्रामर में संज्ञा सर्वनाम वाली यूनिट अलग करते हैं, फिर शब्द वाली यूनिट अलग करते हैं जिसमें आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज उपसर्ग प्रत्यय प्रत्यायवाची ये हो मुहावरे लोकोक्ति, इसके बाद एक वर्ड वाली यूनिट अलग करते हैं, 3 यूनिट में हिंदी को बांट देते हैं, तो इस तरह से हिंदी कंप्लीट, इसी तरह से लैंग्वेज में अंग्रेजी भी कंप्लीट और संस्कृत भी। महेश्वर सूत्र साहित्य का एक यूनिट साहित्य का रहेगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब ईवीएस में कैसे यूनिट बांटनी है, ईवीएस में हमको देखना है कि ज्योग्राफी की यूनिट क्या है, यानी प्लैनेट से कौन कौन से क्वेश्चन, फिर साइंस में गैस से कौन कौन से क्वेश्चन, पृथ्वी से कौन कौन से क्वेश्चन, इस तरह से हमको ये चीजें पार्ट में बांट देनी है और सारे नोट्स तैयार करके आपको देने हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं आपको आपकी स्क्रीन पर, 94-52-26-74-92, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके मैसेज करना है, जस्ट इन 45 डेज आप तैयारी करेंगे, और ये यूनिट वाइज नोट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट हम जो प्रिपेयर करवाएंगे वो आपको देंगे, ठीक है। तो ये कंबाइन में आपको मिलेगा, और जो क्लासेस हैं उनके लिंक्स आपको मिलेंगे, तो क्लास प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट तीनों को कंबाइन करके हम आपको 110 प्लस की तैयारी के लिए तैयार करेंगे, विद फुल कॉन्फिडेंस आप बैठेंगे। और यही नहीं, यूपी टेट के बाद जो शिक्षा भर्ती होगी उसके लिए भी आप हमारे साथ रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।